नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने मगध साम्राज्य के बारे में बताया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया, मैंने उनकी जानकारी आपको दी। उनके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो तीसरा वंश था वो था नंद वंश। कौन सा था? नंद वंश। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा वंश नंद वंश। टॉपिक वन नंद वंश का ही यह टॉपिक वन है। नंद वंश के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पेपरों में आते हैं, उनके बारे में आज हम बातें करेंगे, पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्म नंद। कौन थे? नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद जी थे। इन्होंने क्या किया था? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, नंदीवर्धन का वध करने के बाद ये इन्होंने नए वंश नंद वंश की स्थापना करी। और इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे नंद वंश के? तो वो थे महापद्म नंद। इनका शासनकाल कितना है? 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। नंद वंश की ही हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे पूछे जाते हैं, इसमें क्या है? विष्णु पुराण में नंदीवर्धन के पुत्र और शूद्र स्त्री से उत्पन्न, विष्णु पुराण से हमें जो जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि नंदीवर्धन यानी शिशुनाग वंश के दो अंतिम शासक थे वो थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के पुत्र और शूद्र स्त्री से उत्पन्न, यानी पैदा हुए कौन थे वो? महापद्म नंद। ठीक है, ये हमें कौन जानकारी देता? ये देता विष्णु पुराण। जैन लेखक महापद्म नंद जी को क्या कहते हैं? नाई और वेश्या का पुत्र। जो जैन लेखक हैं वो महापद्म नंद जी को नाई और वेश्या का पुत्र कहते हैं। अब बात करते हैं महाबोधि वंश। इसमें महापद्म नंद जी को क्या कहा गया है? उग्रसेन। महाबोधि वंश और पुराण क्या कहा गया? महाबोधि वंश में और पुराणों में उग्रसेन को, उग्रसेन यानी महापद्म नंद जी को उग्रसेन भी कहा गया है। इनकी अन्य उपाधियां, इनकी और कौन कौन सी उपाधियां हैं या और कौन कौन से नाम हैं जिनसे हम जानते हैं कि ये महापद्म जी के नाम हैं, वो हैं जो इनकी अन्य उपाधियां हैं, सर्वक्षत्रांतक। क्या? सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव यानी दूसरा परशुराम। ये किनकी उपाधियां हैं? ये जो दोनों उपाधियां हैं सर्वक्षत्रांतक और भार्गव, ये महापद्म नंद जी की उपाधियां हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य विस्तार किया। जब इन्होंने विस्तार किया तो इन्होंने अब अपनी उपाधियां भी ली थी। कौन सी इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? एक छत्र और एक राट, ये इनकी उपाधियां धारण करी थी जब विशाल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना कर दी। जब इनका साम्राज्य बहुत बड़ा विशाल हो गया तो इन्होंने एक छत्र और एक राट, जैसी उपाधियां धारण करी। इनके नंद वंश के अंतर्गत और हमें महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है जो इस वंश के अंतर्गत घटी थी, वो थी कि हमें इनकी जानकारी खारवेल के हाथी गुमा लेख से, हमें महापद्म नंद द्वारा पहली बार कलिंग विजय यानी कलिंग की विजय और नहरों की खुदाई, और एक जैन प्रतिमा को उठाकर लाना। इन्होंने जब पहली बार कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग की विजय करी, तो वहां इन्होंने क्या करा? पहली तो कलिंग की विजय करी, दूसरा इन्होंने वहां नहर खुदवाई,
तीसरा वहां से जैन की प्रतिमा ये उठा के लाए, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो खारवेल की हाथी गुमा लेख से, यह जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्बा लेख से मिलती है। देखो जो व्याकरणचार्य थे पाणिनी, वो इनके घनिष्ठ मित्र थे। किनके मित्र थे? महापद्म नंद जी के। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आप याद रखना कि पाणिनी और वर्ष उपवर्ष भैरुचि और कात्यायन, ये ऐसे विद्वान हैं जिनका समय महापद्म नंद जी के समकालीन थे। पेपरों में ज्यादातर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए कि कौन कौन से समय में कौन कौन से विद्वान थे, क्रम वाइज लगाइए। तो मैं इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप इन्हें याद कर लें, ठीक है। महापद्म नंद जी के 9 पुत्र थे। कितने? 9 पुत्र थे। इनमें सबसे छोटा जो पुत्र था वो था घनानंद, और घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक घनानंद जी थे और सिकंदर के, किसके? सिकंदर के समकालीन। यानी सिकंदर जो था वो घनानंद जी के समकालीन था। इनका सेनापति कौन था? इनका सेनापति था भद्रसाल, घनानंद जी का। घनानंद जी का जो सेनापति था वो भद्रसाल, भद्रसाल था। ग्रीक और यूनानी लेखक कौन? ग्रीक और यूनानी लेखक घनानंद जी को क्या कहते हैं? घनानंद जी को क्या कर रहे हैं? अग्रमीज। अब तक बातें हो रही थी महापद्म नंद जी की, अब उनका पुत्र था जो सबसे अंतिम पुत्र जो शासक बना वो था घनानंद, और घनानंद का कौन था समकालीन शासक? सिकंदर। और सिकंदर घनानंद का सेनापति कौन था? भद्रसाल। ग्रीक और यूनानी लेखक इनको क्या कहते हैं? अग्रमीज। याद करना, ये पूछेगा प्रश्न है अग्रमीज। अब बात करते हैं, देखो घनानंद के समय में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। ये आप सभी को पता है कि सिकंदर ने जब विश्व विजेता बनने की चाह जगी थी और उसने विस्तारवादी नीति अपनाई थी कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, तो वो हिंदुस्तान की तरफ भी आक्रमण के लिए आगे बढ़ा था। तो उनका समकालीन कौन था? घनानंद था। उस समय भारत में शासन किसका था? घनानंद का, यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश का घनानंद था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। ये सिकंदर के समकालीन थे। नंद काल में कौन कौन से थे? वर्ष उपवर्ष भारुचि कात्यायन। कात्यायन ये वो विद्वान थे जो घनानंद जी के समकालीन थे, या नंद वंश के अंतर्गत ये सारे विद्वान उस दौरान थे। नंद वंश कौन थे? ये जैन मत अनुयायी थे। जो घनानंद था वो जैन धर्म को मानने वाला था। अब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता के साथ घनानंद जी की हत्या कर दी और नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था मौर्य वंश। चाणक्य जी की सहायता से चंद्रगुप्त जी ने घनानंद की हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना हुई, वो था मौर्य वंश। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो आपको जानकारी दी वो ये दी कि नंद वंश के अंतर्गत ज्यादातर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि नंद वंश के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।